हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। इस प्रकार से मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आपने जो भी अभी तक थ्योरी सेशन और चीजें पढ़ा हो, उसका स्कोर इस वीडियो से चेक कीजिए डेली बेसिस पे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। दोस्तों, ये सेट ई का अभ्यास 4 है। इस प्रकार के 16 से 17 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है और इस प्रकार 7 से 8 हजार क्वेश्चंस हैं, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपीटी जीडी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, जैसा कि एमपी टेट जिसने भी क्लियर किया है, वो सुपर टेट अपने एमपी सुपर टेट की अच्छे से तैयारी करें, जिससे क्लियर हो जाए एग्जाम। अन्य राज्यों की पीजीटी पीजीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। आपको थ्योरी सेशन एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीजें को प्रैक्टिस कराया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो दोस्तों, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, अभ्यास एक ऐसा चीज है कि 0 से बढ़कर वो 100 तक जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि हमको ये नहीं आता, ये नहीं कर सकते। अभ्यास के बल पर कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो मन को छोटा कभी मत कीजिए। जो आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 से शुरू कीजिए और जो भी डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कमियां हैं डेली बेसिस पर उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या मैं कमी कर रहा हूँ, और उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करिए। और जिस भी टॉपिक में आप कमजोर हैं, जिस टॉपिक में आपके प्रश्न ज्यादा गलती हो रहे हैं, उस टॉपिक को ज्यादा क्लियर कीजिए, क्योंकि सब मन का खेल होता है। मन में आपने सोच लिया कि हाँ इसको नहीं करना है, तो आपके अंदर शरीर में आलस्य आ जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क की जैसा सोचता है उसी तरह हमारे अंग कार्य करते हैं। जैसे कि आप नर्वस सिस्टम में निर्माण की पद्धति को जान चुके हैं, तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। अपना स्कोर सब लोग चेक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा देखने से कुछ नहीं होगा, धैर्य बनाना पड़ता है, कष्ट को झेलना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आराम में कुछ नहीं रखा है, आराम आज करेंगे तो कल आपको दिक्कत होगा, आज कष्ट करेंगे तो कल आप सही रहेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा, शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सर्वांगिक तथा सामाजिक रूप से सारी गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, यह कथन किसका है। तो मैंने शारीरिक शिक्षा के अर्थ और परिभाषा वाले वीडियो में सभी परिभाषाओं को एक ऐसे ट्रिक के साथ बताया है दोस्तों, कि एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप परिभाषा में कंफ्यूज नहीं रहेंगे, एकदम उसी ट्रिक के साथ हर परिभाषा को आप पहचान जाएंगे। तो इस परिभाषा में आपको देखना है, जहां भी अभिन्न अंग शब्द आ जाए, अभिन्न अंग को देखते ही 4 से बूचर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है 4 से बूचर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को पियरी डी कुबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिला है? आपको नहीं मिला है ये छाटना है। तो इसे पीटी उषा जी को नहीं मिला है, उसके अलावा गुरु हनुमान को कुश्ती में, माइकल फ्रारा बिलियर्स खिलाड़ी को पियरी डी कुबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी मिला है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है, लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पियर डी कुबर्टिन ने किया था। इसी के आधार पर फिर आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 1896 एथेंस में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कि प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का क्या नाम है? तो प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम है जेम्स कोलोनी, जेम्स कोलोनी अमेरिका का था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक 1980 को छोड़कर सभी खेलों में पदक जीते हैं? तो वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट है,
कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा देश दल रहता है। जैसा कि आपको पता है सबसे आगे यूनान यानी ग्रीस रहता है और सबसे पीछे मेजबान देश रहता है और बीच में अन्य सभी देश होते हैं अल्फाबेट के अनुसार। नेक्स्ट है भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है नीलिमा घोष। कौन है? नीलिमा घोष। उसके बाद मैरी लीला राव है, मेरी डिसूजा है। नेक्स्ट है एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी है, जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों वो खिलाड़ी है एक ही ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक पाने वाले का रिकॉर्ड है मार्क स्पीच। इनका नाम आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जानते होंगे क्योंकि इनका नाम इतिहास में एक ही ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है, वो भी तैराकी में। और इनके रिकॉर्ड को ये मार्क स्पीच ने, अमेरिका के थे और अमेरिकी तैराक थे, 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इनके 7 स्वर्ण पदक के रिकॉर्ड को तोड़ा माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक, एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतकर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो वो है माइकल फेल्प्स। ठीक है, इसमें माइकल फेल्प्स का ऑप्शन नहीं है, 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले एक ही ओलंपिक में है मार्क स्पीच, कब वो भी 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में। एंड उसके बाद इनके रिकॉर्ड को तोड़ा माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग चीन में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करके। जैसा कि दोस्तों माइकल फेल्प्स को मेडल विनिंग मशीन बोला जाता है, इन्होंने 28 मेडल प्राप्त किया है, उसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल। माइकल फेल्प्स 2004 में एथेंस में हुए ओलंपिक में 8 पदक प्राप्त किए जिसमें से 6 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक थे और 2008 बीजिंग चीन में 8 पदक प्राप्त किए थे, 8 स्वर्ण पदक था जो माइकल मार्क स्पीच का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था 7 पदकों का, स्वर्ण पदक का। और 2012 लंदन ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 6 पदक जीता जिसमें से 4 स्वर्ण प्लस 2 रजत इन्होंने प्राप्त किया। एंड फिर इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 6 पदक जीता जिसमें 5 स्वर्ण 1 रजत। कुल मिलाकर के माइकल फेल्प्स 28 मेडल जीते हैं जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मेडल प्राप्त किए हैं, इसलिए इनको मेडल विनिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किसको मेडल विनिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, तो माइकल फेल्प्स को। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक, 9 स्वर्ण पदक सहित जीतने वाले जिम्नास्ट खिलाड़ी का नाम है। अभी तक अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा मेडल जीता है तो माइकल फेल्प्स 28 मेडल, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज, मेडल विनिंग मशीन उनको बोला जाता है। लेकिन महिलाओं में बात करें कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक यानी 9 स्वर्ण पदक सहित जीतने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो है, उनका नाम है लैरिसा लैटनिना। ये रूस की जिम्नास्ट थी, 1964 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कुल 18 पदक उसमें से 9 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य पदक का रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है, आज भी किसी ने नहीं तोड़ पाया है। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली ये महिला है, सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला पूछेगा तो भी, और जिम्नास्टिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला पूछेगा तो भी, यही आपका सही होगा, लैरिसा लैटनिना। नेक्स्ट है 1968 में ओलंपिक मशाल जलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो दोस्तों 1968 में ओलंपिक मशाल जलाने वाली पहली महिला है ऑप्शन नंबर ख, एनरिक्वेटा बासिलो। इसका पूरा नाम है नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो। ये मैक्सिको की महिला थी जिन्होंने प्रथम बार
जो महिला थी जो प्रथम बार ओलंपिक में मशाल जलाई। तो ओलंपिक में मशाल जलाने वाली पहली महिला कौन है? एनरिक्वेता बासिलो सोटेलो, वो भी 1968 मैक्सिको ओलंपिक में जलाई थी। जैसा कि बोला जाता है कि सबसे पहले मशाल कब जलाया गया, तो 1928 एमस्टरडम ओलंपिक में हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाया गया। एंड प्रथम बार आधिकारिक तौर पर मशाल कब जलाया गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में जलाया गया। ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुआ। आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन ओलंपिक में कार्ल डाइन ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीस में अपोलो थे। तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में अपोलो देवता सूर्य देवता को बोला जाता था एंड आकाश देवता जीएस देवता को बोला जाता था, पोसिडियन समुद्र देवता को बोला जाता था। नेक्स्ट है ग्रीस में डिस्कस होती थी। तो डिस्कस अभी भी और आज भी ग्रीस में भी फेंकने की चीज होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीस वासियों का मुख्य व्यवसाय, ग्रीस यानी यूनान को ही ग्रीस बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ग्रीस वासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट है नवजात दुर्बल शिशु को मरने के लिए माउंट जाइगेट्स पर्वत पर किस काल में फेंक दिया जाता था? तो दोस्तों यह होता था स्पार्टा काल में। जो भी अपंग और कमजोर बच्चे दुर्बल बच्चे पैदा होते थे उस उन बच्चों को माउंट टाइगर्स पर्वत से फेंकवा दिया जाता था स्पार्टा में। इतना निरंकुश शासक था या इस प्रकार के घातक चीजें होती थी वहां पे, यानी दुर्बल व्यक्ति को पहले ही मार दिया जाता था। ये एक तरफ से बहुत ही गलत था। नेक्स्ट स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित किए जाते थे जिसका नाम था उसका नाम था कृत्या। नेक्स्ट है स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को क्या कहते थे? तो स्पार्टा में खेल कूद का मैदान प्लेटेनिस्टास बोला जाता था और उसके जो कर्ता धर्ता होते थे उसको पैडल ड्राइव बोला जाता था। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम नग्न हो जाने वाले कौन थे? तो वो थे स्पार्टा वासी। नेक्स्ट है व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी? तो व्यायामशाला में तेल का मालिश जो रहता है तेल के उपयोग की कल्पना किया था रोमवासियों ने। किसने? रोमवासियों ने। नेक्स्ट है रक्त स्त्राव को रोकने का सबसे कारगर और तत्कालीन यानी तुरंत उपाय क्या है? तो चोट पर सीधा दबाव डालना तुरंत उपाय है, तत्कालीन उपाय है। नेक्स्ट है इनमें अधिक गंभीर क्या है? तो इन सभी में सबसे अधिक गंभीर है आपका मोच यानी कि स्प्रेन, जिसमें लिगामेंट में अत्यधिक खिंचाव आ जाता है जोड़ों पर, वो होता है मोच यानी स्प्रेन। ये सबसे अधिक इसमें है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी चोट की श्रेणी में आता है? तो एब्रेजन विदारण यहां पे दोनों आएगा चोट की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर ग क ख दोनों है। ग आपका ऑप्शन है कि टेनिस एल्बो, एक कोहनी की कष्टकर सूजन, ये भी तो चोट में आएगा बट ज्यादातर आंसर आपको माना जाएगा क ख को। टेनिस एल्बो अक्सर ओवर यूज चोट है, गलत तरीके से किया हुआ चोट है, जैसे कि बैडमिंटन में एंड टेनिस में ज्यादा ये सब लगता है। टेनिस एल्बो के बारे में जानने के लिए खेल चिकित्सा वाले वीडियो में देखिए, जिसमें चोट से रिलेटेड जो भी वीडियोज है उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट है चाकू उस्तरा अथवा कटे टूटे हुए शीशे जैसी तीक्ष्ण वस्तुओं के कारण चोट को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है कटा फटा चोट। नेक्स्ट है निम्न में कौन मेरुदंडीय क्षति नहीं है? तो मेरुदंडीय क्षति कौन नहीं है? भंग भी है, स्थान भंग है, डिस्क का खिसकना भी है, बट चीर फाड़ यहाँ पे नहीं है
मेरुदंडी यानी रीढ़ की हड्डी की चोट। नेक्स्ट है, लू से ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर लू लगा है तो उसको सबसे पहले रोगी को शीतल स्थान में लिटा देंगे, उसके बाद दूसरा उपाय करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, CPR का पूरा नाम क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, CPR का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एकाएक किसी का हार्ट रेट रुक जाता है, यानी जो सांस लेने की दर रुक जाता है, तो उसको CPR देने से तुरंत उसको उपाय किया जा सकता है, यानी कि उसके छाती पर थपथपाया जाता है एक लय में, उसी को बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि हृदय और फेफड़ों की कॉम्बिनेशन को तुरंत बनाया जाता है थपथपा करके। नेक्स्ट है ड्यूरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक क्या करता है। तो दोस्तों यह क्या करता है, यह शरीर में मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में पूरा पानी निकाल देता है और शरीर को वजन को घटाता है। तो यह शरीर को वजन को घटाता है एंड डोपिंग को छुपाने का काम करता है और स्त्रियों के मासिक धर्म के दिन को समय को परिवर्तित कर देता है। तो भार को कम करने में काम करता है डायुरेटिक्स या डोपिंग के अंतर्गत आता है। मनुष्य की बांह में चालू उत्तोलक प्रणाली है, तो दोस्तों वो होता है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें फोर्स जो है बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। इसमें आपका आर्म फ्लेक्शन, हेमस्ट्रिंग कर्ल, सीटअप आदि आते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी का, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव खोपड़ी में अगर 22 दिया रहेगा तो 22 राइट रहेगा, 29 दिया रहेगा तो 29 राइट रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा कुल तो 29 है। 8 आपके स्कल में क्रेनियम बोन होता है एंड 14 चेहरे की, 6 दोनों तरफ 3-3 कान की हो जाएंगी और एक गले पर हायड बोन होता है, कुल 29 होती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार आपका राइट रहेगा। हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है तो हड्डियों की सभी चीजों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती हैं। तो कार्पल यानी कलाई में 8 कार्पल अस्थियां होती हैं। अगर टखने में करेगा पैर के टखने में पूछेगा कि टार्सस हड्डियां कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं और कलाई में कार्पल हड्डियां 8 होती हैं। नेक्स्ट है मुक्केबाज की मांसपेशियां होती है यानी कि बॉक्सर मसल्स कौन कहलाता है। दोस्तों आपको पता है सेरेटस एंटेरियर को बॉक्सर मसल्स कहते हैं। कौन सी मांसपेशी का क्या कार्य है, कौन सी मांसपेशी कहाँ पे स्थित है, इसका मैंने चित्र सहित पूरी डिटेल में बताया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए और मसल्स के बारे में पूरी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है गर्दन का जोड़ उदाहरण है। तो दोस्तों यह साइनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि यानी डायर्थ्रोसिस मूवेबल ज्वाइंट्स का उदाहरण है, जिसमें से 6 प्रकार की ज्वाइंट्स आती हैं, जिसमें से जो दुराग्र संधि है, गर्दन का जोड़ है, वह नेक नुकीले सिरे पर रोटेट करता है, घूमता है, उसे दुराग्र संधि कहते हैं। इसे दुराग्र संधि या पिवट ज्वाइंट्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलंब यानी ट्रेपेजियम पेशियां सहायक होती हैं। तो यह दोस्तों गर्दन को पीछे धकेलने में सहायक होती है। गर्दन के पीछे की जो मांसपेशी होती है ट्रेपेजियम होती है, यह गर्दन को पीछे धकेलने में सहायक होती है। नेक्स्ट है सीखने में प्रभाव का नियम किसने निरूपित किया। जैसा कि आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता यानी तैयारी का नियम, जिसे माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, दूसरा
अभ्यास का नियम जिसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, तीसरा प्रभाव का नियम जिसे संतोष असंतोष सेटिस्फैक्शन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं है, तो दोस्तों थार्नडाइक पायलॉग कोहलर इन्होंने सभी ने पहले स्टिमुलस फिर रिस्पांस, किसी चीज को देखकर यानी कि जैसे भोजन को देखकर बिल्ली रिस्पांस करती है उस भोजन को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया करती है, तो सबसे पहले क्या है लक्ष्य दिखता है उसको देख करके रिस्पांस होता है प्रतिक्रिया करता है, तो इसके अंतर्गत कौन नहीं है, तो जबकि स्किनर का क्या कहना है, यहां इसके अंतर्गत स्किनर नहीं है, पावलोव थार्नडाइक कोहलर है, बट स्किनर का कहना है, स्किनर की थ्योरी को आरएस का थ्योरी बोला जाता है, ठीक है, थार्नडाइक की थ्योरी को एसआर थ्योरी बोला जाता है और स्किनर की थ्योरी को आरएस यानी कि पहले रिस्पांस फिर स्टिमुलस, इन्होंने अभिप्रेरणा को मेन माना है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों आज मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान बोला जाता है, मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो वर्तमान में व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक विलियम उंट को माना जाता है, और विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लीपजिग शहर में बनाया था, और मनोविज्ञान ने प्रथम पुस्तक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने, एंड खेल मनोविज्ञान के पितामह कहे जाते हैं कोलमैन ग्रिफिथ, तो ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान के पिता विलियम उंट और खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स, व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन, एंड शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि सहगामी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही हैं, तो उन संकेत के माध्यम से मस्तिष्क कहता है कि सिचुएशन को देखकर मस्तिष्क स्वयं उसको संकेत देता है मांसपेशियों को कि उसको कब पकड़ना है, तो सहगामी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रहा है। नेक्स्ट है शरीर आपदा बॉडी डिजास्टर की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो, फेस आर रन अवे की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, तो दोस्तों जब अनुसंवेदी सेंसिटिव तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो शरीर आपदा यानी बॉडी डिजास्टर की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो की स्थिति ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है इमोशन यानी संवेग को परिभाषित करते हैं, तो संवेग को जैसे कि दुख क्रोध क्षोभ खुशी होना इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो संवेग के अंतर्गत आएगा, तो इसको क्षोभ के रूप में आपको जाना जाएगा, 41 का ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक की जांच का अर्थ है, तो एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक की जांच का अर्थ है कि माप की सुसंगति होना चाहिए, कंपेटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। नेक्स्ट है उत्तम कार्यक्रम योजना की निम्न विशेषता है, तो उसमें यहां पे तो विशेषता भी होनी चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व निम्न है,
तो इसका महत्व पाठ्यक्रम में प्रगति में है, खाली समय का सदुपयोग में भी है, सामाजिक विकास में भी है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों द्वारा विद्यालय में क्रिया करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके एवं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। इसे कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है क्विलन और हन्ना ने। क्या कहा है इन्होंने कि बालकों द्वारा विद्यालय में क्रिया करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके एवं उनका व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। तो आयु के आधार पर बाल शिविर है, वृद्ध शिविर है, किशोर शिविर है, बट वार्षिक शिविर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, ई के फ्रैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो ई के फ्रैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, एडगर जी जॉनसन तथा रोनाल्ड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं एंड जबकि ई के फ्रैक्टवेल ने 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, जॉन बी वाटसन ने सीखने के किस सिद्धांत की खोज किया था? तो दोस्तों इन्होंने परीक्षण और सिद्धांत की खोज किया था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म जाता निम्न में से कौन था? तो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं दोस्तों जेबी वाटसन, जो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, तो व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन। जैसे कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा कहा गया, फिर मन कहा गया, फिर चेतना, फिर व्यवहार कहा गया। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान इसको माना अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में। फिर इसको मन का विज्ञान या मन मस्तिष्क का विज्ञान माना 17वीं शताब्दी में पोम्पानाजी ने, जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे। फिर इसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना विलियम जेम्स आदि ने। फिर इसको 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। इस प्रकार व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। वाटसन ने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान या निश्चित मनोविज्ञान कहा। नेक्स्ट, वह ओलंपिक का कौन सा मेजबान देश है जिसे मेजबानी में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया हुआ है? तो वह है मॉन्ट्रियल कनाडा 1976 ओलंपिक, जिसमें मेजबान देश जो मॉन्ट्रियल कनाडा है वह कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया था। तो दोस्तों ये था आज के लिए 51 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों इसी प्रकार आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने पर मन में हड़बड़ाहट हो जाती है, जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और सभी टॉपिक्स एक में खिचड़ी हो जाता है, आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। अभी से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइंड में जो भी चीज़ें होंगी क्लियर होंगी। इसे डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।